प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक दमदार और एक धमाकेदार नाज़िया अली खान जी का इंटरव्यू लेके आए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। कांग्रेस के अकल और समझ के हिसाब से भी मैं डिस्क्राइब करूंगी और मुसलमानों के अकल और समझ के हिसाब से भी मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगी आपके सामने। देखिए, हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में नासिर खान बलात्कार करेगा उसको इस्लाम से ना बॉयकॉट किया जाएगा और ना ही उसके ऊपर फतवा जारी किया जाएगा। आफताब श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रखेगा, ना ही उसके उसको इस्लाम से बर्खास्त किया जाएगा और ना ही उसके ऊपर कोई फतवा जारी होगा। मेरे हाथ में अभी ऑलमोस्ट 2830 लव जिहाद के मामले, 2830 ये बेटियां मार दी गई हैं, ये बेटियां काट दी गई हैं, ये बेटियां पानी में डुबो दी गई हैं, ये सनातनी बेटियां तकिए में दबा दबा करके मार डाली गई हैं। और आप देखिए पास से, ये 153 केसेस ऑफ लव जिहाद है 2023 तक का, और बाकी के इसके पन्नों में 2823 के मोर और लेस इसमें पूरे पूरे डिटेल्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो इतनी सनातनी बेटियों का बलात्कार कर कर जो मारा है, फ्रिज में रखा है, क्या इसके ऊपर फतवा या इसको इस्लाम से बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं थी? नहीं किया गया ना, एक भी फतवा नहीं हुआ और एक को भी इस्लाम से बॉयकॉट नहीं किया गया। तो इसका ये मतलब निकलता है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि हमारे इस्लाम में बलात्कारियों का दर्जा बुलंद है, बलात्कारियों का दर्जा बहुत ऊंचा है। जो लोग रेप करते हैं उनका दर्जा ऊंचा है, जो लोग चोरी करते हैं उनका दर्जा ऊंचा है, जो लोग झूठ बोलते हैं उनका दर्जा ऊंचा है इस्लाम में, जो लोग मर्डर करते हैं उनका दर्जा इस्लाम में ऊंचा है, जो लोग औरत के साथ बेवफाई करते हैं, अश्लीलता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उसका दर्जा, उन मुसलमान मर्दों का दर्जा ऊंचा है इस्लाम में। लेकिन अगर नाज़िया अली खान या इमाम इलियास अगर जाकर के भगवान राम को इज्जत दे देते हैं या प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत कर देते हैं तो भाई साहब, नाज़िया तो हिजड़ा है, नाज़िया तो प्रोस्टिट्यूट है, नाज़िया तो मुंह में कुछ लेकर बैठी रहती है, नाज़िया तो हिंदुओं की रखेल है और इलियास साहब तो मुसलमान ही नहीं है। मतलब कैसा इस्लाम बना चुके हो तुम लोग। मैं भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ कि ये वो इस्लाम है जिसमें बलात्कारियों को इज्जत मिलती है? और अगर हम गंगा जमनी तहजीब को दर्शाते हैं, उसको बताते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुओं का भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, तो ये सिर्फ कहावत नहीं है, हम उनकी खुशी में, हम उनके दुख में भी शिरकत करेंगे और हम उनके साथ रोएंगे भी, हंसेंगे भी, तो नाज़िया प्रोस्टिट्यूट हो जाती है, नाज़िया रखेल हो जाती है। मतलब अल कुरान के कौन से पारा में और कौन सी आयत में और कौन से सूरत में ये लिखा हुआ है कि मुसलमान मर्द औरतों को गालियां दे सकता है, अपने शब्दावली से, अपने शब्दों से औरत को नंगा कर सकता है? और आपको आपको मैं बताना चाहूंगी मुजफ्फर भाई कि मेरे इंस्टाग्राम में जब मुसलमान मर्द मुझे रखेल और प्रोस्टिट्यूट लिखता है तो बाकी के मुसलमान मर्द उसको रोकते नहीं है, उसको बोलते हैं हाँ ठीक बोल रहा है, ये तो हिजड़ा दिखती है, ये तो रखेल दिखती है, ये तो मुंह में लिख करके देता है कि ये तो मुंह में लेके बैठी भी है, बाकी के मुसलमान मर्द उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ और बोल और बोल और बोल और बोल। तो मतलब कि कुरान से सीखे हो तुम गालियां देना, मतलब कि हम, मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें तो ये नहीं है, मैंने तो जो कुरान पढ़ा है उसमें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरें झुकी करके झुका करके औरतों से बात करते थे, मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, मैंने जो कुरान पढ़ा है उसमें तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अगर तकलीफ में देखते थे तो उनको खून के आंसू रोते थे। तो आप लोगों ने कौन सा कुरान पढ़ लिया है जिसमें आप बेटियों को हर रोज रखेल बनाते हैं, हर रोज आप हिजड़ा बनाते हैं, हर रोज आप मुंह में कुछ दिलवा देते हैं, हर रोज अपनी शब्दावली से आप नंगा करते हैं बेटियों को? बेटियां किसी की भी हो मुजफ्फर भाई, इज्जत तो इज्जत होती है ना। हमारा अल कुरान और हदीस क्या बोलता है कि जिस मुसलमान के घर में बेटी नहीं होती है उसके घर की दहलीज उसकी इज्जत होती है।
यही हमारा हमारा इस्लाम बोलता है ना। असल में दीदी ये इन्होंने इन्होंने जिस मौलवियों से जिन उलमा से इन्होंने ये सारा कुछ सीखा है उनके बारे में बताऊं, कल हमारे यहाँ पर एक मौलवी जो है वो मस्जिद का जो मेहराब होता है जहाँ पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ाते हैं, पीछे सारी जमात होती है, वहां पर एक बच्चे से ज्यादती करता हुआ पकड़ा गया है। आप अंदाजा लगाएं, ये पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मेहराब के अंदर जहाँ पर खड़े होकर पीछे नमाजी होते हैं वहां पर एक 12 साल या 10 साल के बच्चे के साथ वो ज्यादती करता हुआ पकड़ा गया। तो ये इस तरह के मौलवियों से ये जब सीखेंगे तो ये इसी तरह का इस्लाम सीखेंगे ये लोग। नहीं नहीं, देखिए मुसलमान मर्दों को अश्लीलता जितना समझाइएगा वो आपकी उतनी तारीफ करेगा, नंगापन जितना समझाइएगा वो आपकी उतनी तारीफ करेगा। मुसलमान मर्दों को अगर कपड़ा खोल के मैं दे दूं खुद को, वो कहेगा नाजिया बहुत अच्छी औरत है। मैं बोलूंगी तुम पढ़ लो, तुम इंसान बन जाओ नाजिया, एक नंबर की प्रोस्टिट्यूट। नाजिया के जितना आवारा तो कोई औरत ही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनाइयत की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इज्जत आबरू की बात कर रही हूँ। अभी आपके यहाँ रमजान में भी तो पाकिस्तान में 14 साल के बच्चे के साथ एक मस्जिद के अंदर एक मौलाना अनल सेक्स करते हुए पकड़ाया, जिसके ऊपर कोई फतवा जारी नहीं हुआ। भाई मैं तो अगर मैंने कभी किसी मुल्ला को देख लिया तो मैं तो सरतन से जुदा कर दूंगी, मैं तो इस्लामिक पनिशमेंट दे दूंगी और मैं कोर्ट में खड़े होकर बोल दूंगी कि भैया ये तो इस्लामिक पनिशमेंट है। अभी देखिए हालिया में मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी हालिया में राहुल गांधी के बहुत करीबी पॉलिटिकल ग्रुप है और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और राहुल गांधी उनको अपना सगा चचा मानते हैं, चचा जान मानते हैं। उन्होंने भारत के लोगों को उनके चमड़े के रंग पर बांट दिया। पहले तो राहुल गांधी कास्ट सेंसस करा रहे थे, उसके बाद फिर धर्मों उनके दादा अबू ने बांट दिया, भारत के दो टुकड़े करा दिए। मतलब जितना कार्यक्रम कांग्रेस की सरकार को करना था, सरकार जब तक थी तब तक उन्होंने किया। अभी भी चैन नहीं आया है राहुल बाबा को। अब एक तो उन्होंने 2024 के लोकसभा का मैनिफेस्टो, उन्होंने 1936 के मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पूरा छाप दिया है, जेरोक्स कर दिया है। अब सैम पित्रोता उनके राहुल गांधी के बहुत ही पॉलिटिकल गुरु है और उनके चचा जान है। उन्होंने कह दिया कि जो गोरा है वो फॉरेन, जिसका नक्शा तराशा हुआ है थोड़े और भी गोरी चमड़ी का है वो अरब का है, जो थोड़ा चिट्टा है वो चाइना का है, जो जरा काला है भारत में वो अफ्रीका का है। तो मैंने नेशनल न्यूज पे भी पूछा कि देखिए मैं तो गोरी भी हूँ और तराशी भी हूँ, लंबी चौड़ी भी हूँ, लेकिन मैं भारत की पुत्री हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के राहुल बाबा से और सैम पित्रोता साहब से कि जो मुसलमान मुझे मोटे होंठ वाली, हिजड़ा शक्ल वाली और प्रोस्टिट्यूट बोलता है, वो कहाँ का है? वो कहीं पाकिस्तान का तो नहीं है सारा मुसलमान जो भारत में घुस के बैठा हुआ है? क्योंकि इतनी अश्लील जुबान सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों की ही हो सकती है। मर्दों, मुझे नहीं लगता है कि अरब में, मैं आबू धाबी मैं तकरीबन 3 बार मैं विजिट की हूँ, सऊदी अरबी आबू धाबी और दुबई मैं 3 बार विजिट की हूँ। किसी भी मर्द में, मुस्लिम मर्दों में मैंने ये फितरत नहीं देखी कि वो किसी औरत को बेइज्जत कर रहे हैं या बेआबरू कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस्लामिक पनिशमेंट मुजफ्फर भाई बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। वहां तो तुरंत आंख निकाल देगा, जबान काट देगा, हाथ काट देगा, वहां तो कुछ भी कर देगा। तो वहां के मर्दों में मैंने एक जो तरबियत देखी है वो तरबियत वाकई में मुसलमान मर्दों की काबिल तारीफ। लेकिन भारत के जो मुसलमान, देखिए जब कानून सख्त होता है ना तो तरबियत अपने आप पैदा हो जाती है। जब कानून सख्त होता है तो तरबियत अपने आप पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है कि उन्होंने वो अल कुरान पढ़ा है जो अल कुरान वाकई में नाजिल हुआ था शबे मिराज की रात को, और यहाँ वो अल कुरान पढ़ा जा रहा है जो अश्लीलता के नंगा नाच के साथ लिखा गया है। सही। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर वाकई में ओरिजिनल अल कुरान अगर भारत या पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों ने पढ़ा होता तो वो ना ही वो आपकी बेटी पर गंदी नजर करता,
और ना ही वो मुझे प्रोस्टिट्यूट बोलता, क्योंकि इस्लाम उसको इस चीज के लिए कभी भी उसको इजाजत देता ही नहीं, कभी नहीं इजाजत देता। तो मैं राहुल बाबा के सैम पित्रोता से पूछना चाहती हूँ कि भारत में रह रहे वो मुसलमान वर्ग जो अपने पैंट के जिप का औजार निकाल करके सुजर जॉर्डन का बलात्कार करता है, श्रद्धा का बलात्कार करके 35 बोटियां करता है, वो जो मासूम मासूम बच्चों का गला रेतता है, नावेद और साजिद, तो ये सारे मुसलमान कहाँ के हैं? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान के हैं, क्योंकि भारत के मुसलमान जो भारत की सभ्यता संस्कृति संस्कार को मानते हैं वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते, या जो अल कुरान को मानते हैं वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और खासकर आपने देखा कैसे नाज़िया खान जी ने इन पूरे शांति दूतों को, खासकर मुल्ला मौलवी जो गैंग है, इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जो इनका अश्लीलता का बाजार सरेआम चलता है उसके बारे में नाज़िया खान जी ने काफी अच्छे से आपको बताया। और जैसे कि आपने देखा डिस्कशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग निकल के ये आई कि कुरान तो एक है पर जो उसके समझाने के तरीके हैं, जो मौलवी अलग अलग मौलवी अपने हिसाब से लोगों को समझाते हैं, मैं कहूँ ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हीं तरह लोगों को गुमराह करके उनसे जुर्म करवाते हैं। और जैसे नाज़िया खान जी ने कहा कि आज के वक्त में इस्लाम में जो है वो जुर्म और जुर्म करने वाले का जो दर्जा है वो सबसे ऊंचा हो गया, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।